किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूँ जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूँ कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हों या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ, उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने SIT का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही SP के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि SIT की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची।